फ्रेंड्स, अगर आप बिजली के बिल से कुछ राहत पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बिजली के बिल से कुछ राहत मिल जाए मुझे, और जो गर्मियों का मौसम चल रहा है इन गर्मियों के मौसम में भी मुझे कुछ राहत मिल जाए, जैसे कि पावर कट होता है बहुत ज़्यादा, पावर कट होने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर दिन के मौसम में धूप बहुत तेज होती है, पावर कट ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में इन्वर्टर आपके बीत जाते हैं, इन्वर्टर काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपने दिन में कुछ मुझे राहत मिल जाए और कुछ बिल में भी राहत मिल जाए, तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहना, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 500 वाट का सोलर पैनल, सोलर सिस्टम, सोलर इन्वर्टर और स्ट्रेचर वगैरह आपको कितने रुपए में मिलेगा। इस पूरे पैक के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अगर आप 500 वाट के सोलर पैनल आप लेते हैं, 500 वाट के सोलर पैनल, मैं मान के चलता हूँ कि जो करंट में रेट चले हुए हैं, कुछ रेट इंक्रीज हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से जो आज के रेट हैं वो करीब करीब एवरेज 35 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको सोलर सिस्टम के लिए पैनल मिल जाएंगे। 35 रुपये में मान के चलता हूँ एक अच्छे पैनल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप बड़े पैनल लेते हैं, बड़े पैनल 24 वोल्ट के आते हैं, लेकिन आपको इसमें 12 वोल्ट के ही पैनल चाहिए 500 वाट के छोटे सिस्टम के लिए, छोटे सेटअप के लिए, तो आपको 12 वोल्ट के ही पैनल लगाने पड़ेंगे। तो 12 वोल्ट के पैनल कुछ महंगे आते हैं, महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपको 35 रुपये पर वाट के हिसाब से अच्छी कंपनी के पैनल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 35 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर आप 500 वाट के पैनल लेते हैं तो वो करीब 17,000 रुपये के आसपास आपको पैनल मिल जाएंगे। 500 वाट का सेटअप लगाने के लिए आपको तीन चार चीज़ की ज़रूरत होती है, चार चीज़ की मोस्टली ज़रूरत होती है, पैनल की मैंने बताई दिया। अगर आप अच्छा सेटअप लगाना चाहते हैं, एक अच्छा सेटअप लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर दो रेंज लेकर चलूँगा। सोलर पैनल की रेंज तो सेम रहेगी, जो 17,500 रुपये के आसपास मैंने बताया वो सेम रहेगी, लेकिन इन्वर्टर, बैटरी, स्ट्रेचर, इन सब की रेंज, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन्वर्टर की। अगर आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो वो करीब 7,000-7,500 रुपये का सोलर इन्वर्टर आपको मिलेगा, PWM इन्वर्टर आपको मिलेगा, लुमिनस का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये लुमिनस का आपको सोलर इन्वर्टर करीब 7,500 रुपये के आसपास मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा और एक अच्छी क्वालिटी के साथ में MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ में इन्वर्टर खरीदते हैं तो वो करीब 11,000-11,500 रुपये के आसपास का आपको इन्वर्टर मिलेगा। तो यहाँ पर एक मांग चलते हैं हम, सबसे कम रेंज 7,500 और मैक्सिमम रेंज 11,000 रुपये के आसपास इन्वर्टर की यहाँ पर कॉस्ट आएगी। और थर्ड बात करते हैं बैटरी की। बैटरी का भी इसी तरीके से है, आपको कौन सी बैटरी लेनी है। अगर आप 10,000 से लेकर 15,000 की रेंज की हम यहाँ पर मांग चलते हैं, 10,000 की रेंज की अगर आप बैटरी लेते हैं तो उसमें एज का और वारंटी का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर 10,000 में आपको 100 एज के आसपास और कम वारंटी की आपको बैटरी मिलेगी, और 15-16 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छी क्वालिटी के साथ में, अच्छी वारंटी के साथ में आपको बैटरी मिलेगी। सबसे कम रेंज में 10,000 और मीडियम रेंज में आपको 15,000 रुपये के आसपास बैटरी का खर्चा आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेचर की। अब स्ट्रेचर की मान के चलते हैं कॉमन ही 25 रुपये में जो भी वायर वगैरह, स्ट्रेचर, ये सब आपके 25 रुपये के आसपास यहाँ पर लग जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर टोटल प्राइस की अब बात करें, टोटल प्राइस मिनिमम और टोटल प्राइस मैक्सिमम, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, प्राइस मिनिमम देखते हैं तो 37,300 रुपये के आसपास आपको टोटल प्राइस मिलेगा मिनिमम, कम से कम में। और जो मैक्सिमम में जाते हैं तो मैक्सिमम में जाने पर आपको यहाँ पर 46,000 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलता है। ये 46,000 रुपये के आसपास आपको एक अच्छी क्वालिटी में, अच्छे पैक के साथ में आपको यह सिस्टम लग जाएगा। इस सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं, 500 वाट से आप 1,000 वाट तक इसको मूव कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन बना रहता है, अगर आप थोड़े से पैसे और खर्च कर देते हैं तो एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने सिस्टम को इन फ्यूचर अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब कि सोलर पैनल 500 वाट के हैं करंट में, और 500 वाट के पैनल और इसके ऊपर लगाकर आप अपने सेटअप को 1 किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है कि आपके पास पुराने इन्वर्टर और पुरानी बैटरी तो है, क्या वो ख़राब होंगे? नहीं, अगर आपके पास पुराने इन्वर्टर और पुरानी बैटरी हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर सिर्फ आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा। सोलर चार्ज कंट्रोलर करीब 4,000-5,000 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एक अच्छी क्वालिटी का आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं और कम से कम प्राइस में आप अपना एक सेटअप बना सकते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि हम आपके पास पुराने इन्वर्टर और पुरानी बैटरी है, जो ट्रेडिशनल इन्वर्टर और बैटरी होते हैं वो आपके पास हैं, तब आपका कितना खर्चा आएगा। अब इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ आपको इसमें 25,000 रुपये के आसपास का ये खर्चा आएगा, 500 वाट का सेटअप आपका बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा इन्वर्टर और बैटरी का ही होता है और पैनल का होता है। पैनल का तो आपको लगाना ही पड़ेंगे, इन्वर्टर बैटरी का खर्चा हट गया और एक 5,000 रुपये के आसपास का खर्चा बढ़ गया सोलर चार्ज कंट्रोलर का। मात्र 25,000 रुपये के आसपास ये सेटअप आपका एक अच्छा सेटअप बन जाएगा, क्योंकि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर का काम होता है वो आपके जो पुराना इन्वर्टर है उसी को सोलर चार्ज कंट्रोलर, उसको सोलर इन्वर्टर बना देता है। सिर्फ इतना काम सोलर चार्ज कंट्रोलर का होता है। अब बात करते हैं यूनिट की, आपको कितना यहाँ पर बेनिफिट होगा। 2 यूनिट से लेकर 2.5 यूनिट तक आप यहाँ पर डेली बचा पाएंगे। ये एक एवरेज होता है, पूरे साल का एक एवरेज होता है, क्योंकि सर्दियों में कम पावर जनरेट होती है, गर्मियों में कुछ ज़्यादा हो जाती है, बारिश के मौसम में कुछ मीडियम रहती है,
और सुबह शाम कुछ मीडियम रहती है, तो ये एक एवरेज होता है कि 2 से 2.5 यूनिट के आसपास से आप इसमें अपनी सेविंग कर पाएंगे, बचा पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना लगा सकते हैं हिसाब कि आपको कितनी पावर सेविंग यहाँ पर रहने वाली है, होने वाली है, कितना आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल हो, अच्छी लगी हो, जानकारी ठीक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।